What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. First of all, happy holiday to all of you. देखिए हमारी कंट्री में जो भी त्यौहार बनाए जाते हैं वो सबसे शानदार तरीका उनका यही होता है कि हम लोग ऐसे बनाए उनको ताकि किसी को नुकसान न पहुंचाए और ना ही हमको कोई उससे नुकसान हो. तो इस तरीके से आप लोगों को होली खेलनी है. यहाँ पर कलर आप लोगों को यूज करने हैं, पर लेकिन अच्छे कलर यूज करने हैं ताकि आपकी स्क्रीन और आपकी आईज जो है, आपकी आंखें जो है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके. कोशिश कीजिएगा थोड़ा ऑयल लगा लीजिएगा पहले अपनी स्किन पे, जिससे कि कलर का ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े. वरना कलर कई सारी बहुत तरीके खतरनाक कलर भी आ रहे हैं आज के मार्केट में, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. और अच्छे से खेलेगा जैसे चाहे हमारी कंट्री में, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बैसाखी हो, कोई भी त्यौहार हो, हमारी कंट्री में हमको सबको मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए और कभी भी इस पर रिलीजन की या फिर कास्ट की कोई भी बार नहीं लगानी चाहिए. तो हर एक इंसान को एंजॉय करना है, पर लेकिन एंजॉय बिल्कुल ऐसे करना है कि सेफ तरीके से आप लोग खेलना है, ज्यादा नुकसान ना हो जाए किसी का और पता चला त्यौहार के टाइम पर कोई नुकसान हो जाए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. तो बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करना है, खुशी को बढ़ाना है, खुशी को घटाना नहीं है, खुशी को बढ़ाना है जितना ज्यादा हो सके. ओके, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और फिर उसके बाद में अपना बैक टू द स्टडी आना है आप लोगों को. आज 1 मार्च है, इस देख लेते हैं हम नैनो मैगजीन के तहत पीआईबी देखेंगे, योजना देखेंगे, और लेना रेडियो देखेंगे, प्रीलिम्स के फैक्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और जो कल क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर भी मिलने वाले हैं. काफी शानदार हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है. आइए तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है आज का माजा लाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोगों को देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडेंजर्ड यहाँ पर जो जाती है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी. यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिवर्सिटी सैटेलाइट है ये, जो मंगोलिया में भेजा गया है, जिसका नाम है माजा लाई. किसके नाम पर ये रखा गया है? ये रखा गया है इंडेंजर्ड यहाँ पर गोभी बियर है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा. ये वाला बियर है, ये वाला भालू यहाँ पर पाया जाता है जो कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुका है. तो अवेयरनेस फैलाने के लिए भी आप लोग बोल सकते हैं इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है ताकि इसको सेव किया जा सके. एरिया कहां पर है थोड़ा मैप में आप लोग निहार लीजिए. ये हो गया यहाँ पर मंगोलिया, नीचे हो गया चाइना, ऊपर हो गया रशिया, दोनों के बीच में सैंडविच बन गया है यहाँ पर मंगोलिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नेपाल बन गया है इंडिया और चाइना के बीच में. तो ऐसे ही आप लोगों को सैंडविच यहाँ पर नजर आएगी मंगोलिया की. ओके, तो मंगोलिया वाले रीजन में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा. ये जो बियर है इसका नाम है मजलाई, जिसके नाम पर ये सैटेलाइट का नाम रखा गया, जो कि एक यूनिवर्सिटी सैटेलाइट है, मतलब डिजाइन किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, इसलिए यूनिवर्सिटी सैटेलाइट उसको बोला जा रहा है. किसके द्वारा सेंड किया गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, जो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, स्पेस एक्स एजेंसी आप लोगों को पता होगा, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको सेंड किया गया है. इस एजेंसी के ओनर कौन है? अभी न्यूज में था और अभी आई थिंक 4 या 5 दिन पहले मैंने इनके बारे में आप लोगों को बताया भी था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है यहाँ पर, इसकी हेल्प की गई है यूनेस्को के द्वारा और जापान के द्वारा, दोनों ने मिलकर यहाँ पर हेल्प की है तब जाकर इस सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च कर पाए हैं. और देखिए जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो कई एरिया में फायदा पहुंचाने वाला होता है, तो इसी तरीके से ये भी कई एरिया में फायदा पहुंचाएगा. यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेस में स्टडी करने का काम आएगा, कैप्चर करेगा जियोग्राफिकल एरिया को, मतलब जियोग्राफिकल एरिया की पिक्चर यहाँ पर सेंड करेगा, जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी रिसर्च की जा सके, कहीं पे पानी कितना है, कहीं पे कोयला है, कहीं पे या फिर किसी तरीके से ऑयल का यहाँ पर रिसर्च हो रही है, तो कुछ भी अगर ऐसा देखने को मिलता है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, मोर एक्यूरेट मैप क्रिएट कर पाएगा. और इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी पड़ती है, कई तरीके कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, या फिर कोई बाढ़ तूफान कुछ भी आता है, तो उसका भी एक अवेयरनेस जारी करेगा. तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट ये मंगोलिया के लिए होने वाला है. तो नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है नाम इस तरीके का दे देंगे, आप लोगों से पूछेंगे क्या नाम है इसका, मतलब क्या है ये, मतलब कई बार इस तरीके से नाम आने के बाद में हम लोगों को पता होते होते भी हम लोग नहीं समझा पाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमारे माइंड से नाम निकल जाता है. तो इस तरीके का नाम थोड़ा याद रखिएगा, मजा लाई. नेक्स्ट टॉपिक ये भी काफी शानदार है, खासकर इन्वायरमेंट से जब रिलेटेड टॉपिक आता है तो वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बहुत फोकस देता है एग्जामिनर के द्वारा इनके ऊपर. बात की जा रही है ओरेंग टाइगर रिजर्व के बारे में. ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 49th कंट्री का टाइगर रिजर्व है और ये काफी छोटा है एरिया में, ओनली 78 स्क्वायर किलोमीटर में आप लोगों को फैला हुआ ये मिलेगा. ठीक है, कहां पर ये? ब्रह्मपुत्रा रिवर आप लोगों को पता है आसाम में देखने को मिलती है, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ये नॉर्थ बैंक पर. मिनी काजीरंगा भी इसको बोला जाता है आसाम, आप लोगों को पता है यहाँ पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है. तो जो वन सिंह के राइनोज जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ये टाइगर रिजर्व भी. ठीक है, तो ये इसके लिए फेमस है, कई बार पूछ लेता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, तो ये राइनोज के लिए फेमस है, जो कि वन सिंह वाला गेंडा भी आप इसको बोलते हैं नॉर्मली, तो उसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं. इस तरीके टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलता है, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रोग्राम आप लोगों के सामने है यहाँ पर, और ये एक स्टैचूटरी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो NTCA है. ठीक है, तो स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, कई बार पॉलिटी में अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, वो बॉडी जिसको हम पार्लियामेंट के थ्रू पास करते हैं. पार्लियामेंट में कौन आता है? लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है,
प्रेसिडेंट आता है, तो तीनों पार्लियामेंट का ही पार्ट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार कि पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, दे देते आप लोगों को लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट को आप नॉर्मली भूल जाते हैं, प्रेसिडेंट एज ए ऑफिस पार्लियामेंट में काउंट होता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। तो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है ये, और ये कंस्टिट्यूट किया गया है किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, यहाँ पर अमेंडमेंट भी हुआ इसमें 2006 में। तो कुछ बातें हैं ये आप लोग इसके याद रख सकते हैं जब बात आती है यहाँ पर इस तरीके की बातों की। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा इसको मैप में आप लोग निहार लीजिए एक बार, ये देखिए ये हो गया काजीरंगा, ये पूरा आप लोगों को एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये काजीरंगा यहाँ पे हो गया, और इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पर जो मैंने बोला आप ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ कॉर्नर पे आप लोग ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा रीजन हो गया नॉर्थ ईस्टर्न वाला प्यारा रीजन, और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। टाइगर की जब बात करते हैं यहाँ पर डेंसिटी की, तो आप लोग डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी नहीं डेंसिटी, डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा डेंसिटी आप लोगों को टाइगर की यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बात करते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा जितना छोटा रीजन है ज्यादा टाइगर होगा तो ज्यादा ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और जो बड़े बड़े रीजन है वहां पर इतनी कम डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो टाइगर की डेंसिटी के हिसाब से भी आप लोगों को अगर पूछे कोई कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व को लगाइए, तो आप लोगों के थोड़ा माइंड में होना चाहिए ओरेंग सबसे ऊपर है, काजीरंगा दूसरे नंबर पे है, कॉर्बेट नेशनल पार्क तीसरे नंबर पे है, और बंदीपुर नेशनल रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा चौथे नंबर पर है। ये काजीरंगा और ओरेंग मैंने आप लोगों को बता दिया, कॉर्बेट और बंदीपुर कहां पर पड़ता है दोनों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस एरिया में ये पड़ते हैं। बता चुका हूं इनके बारे में पहले भी, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, अगर रिविजन कर रहे हो तो आप लोगों को जरूर इसके बारे में पता होगा। और देखिए अच्छी बात यह है, अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे टाइगर की जो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है, पहले एक बार को ये लगने लगा था कि टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पर घटती हुई जा रही है और काफी जल्दी कहानी खत्म हो जाएगी, पर लेकिन जब से 1973 से, ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तब से लेकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं हम काफी हद तक यहाँ पर प्रिजर्व करने में कामयाब हो पाए हैं और इनकी संख्या को बढ़ा पाए हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट किया गया था, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये एरिया नॉर्थ ईस्टर्न वाला आप लोगों को खासकर याद होना चाहिए, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर वर्ल्ड में पुअर किड के बारे में बात करें, मतलब जो पुअर बच्चे होते हैं जहाँ खाना नहीं मिल पाता उनको, ढंग से कोई खाना पीना अच्छे से उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती हेल्थ और एजुकेशन की, तो इंडिया में एक हब आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया में आप लोगों को सबसे ज्यादा नजर आएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड के 31% आप लोगों को इंडिया में नजर आएंगे, तो एक ह्यूज पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जब पुअर किड्स की बात यहाँ पर की जाती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एस्टिमेशन भी दिया गया है कि इंडिया में 31% वर्ल्ड के पुअर किड्स पाए जाते हैं। अगर बात करें 31% तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी बच्चों के लिए, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसके द्वारा ये रिपोर्ट्स तैयार की गई है, ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स OPHI, इसके द्वारा ये यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर माने OPHI की तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये एक सेंटर रिसर्च है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, इसके द्वारा सर्वे किया गया 103 यूनिवर्सिटी पे और उसके बाद में इस तरीके का डेटा हम लोगों के सामने रखा गया। तो आखिर में है क्या ये मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं क्या है मल्टी डायमेंशनल पुअर। तो देखिए जब कई तरीके की पुअर्टी एक साथ में आ जाती है तो 10 इंडिकेटर हैं यहाँ पर, उन 10 इंडिकेटर में से जब आप लोगों को देखने को मिलेगा 1/3 यहाँ पर एटलीस्ट उनमें कमी होती है, 10 में से 1/3 अगर कमी होती है, ग्रुप यहाँ पर एक डिवाइड किया गया, उसमें आप लोगों को हेल्थ देखने को मिलेगी, एजुकेशन देखने को मिलेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलेगा। तो इसमें से जब आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर 1/3 यहाँ पर कवर हो जाता है तो आप लोगों को वो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। हेल्थ के डायमेंशन से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो न्यूट्रिशन की बात की जाती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है और भी कई तरीके की बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए कुकिंग फ्यूल की बात की जा सकती है, इंप्रूव सैनिटेशन की बात की जा सकती है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, एसिड्स, ऑनरशिप, ये सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जब कई एरिया में आप लोगों को यहाँ पर डायमेंशनल जब पुअर्टी देखने को मिलेगी तब यहाँ पर इसको मल्टी डायमेंशनल बोल देंगे। अगर बात करें इंडिया की सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को नाइजीरिया देखने को मिलेगा, इथोपिया और पाकिस्तान भी हमसे कम है अगर आके, तो पाकिस्तान में ओनली 6% है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री में एक ह्यूज परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं रीजन ये भी हो जाता है क्योंकि हमारी कंट्री की जनसंख्या ज्यादा है तो इस तरीके की एक्टिविटी हमारी कंट्री में ज्यादा मिल जाती है। और हाईएस्ट आप लोगों को एरिया वाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सब सहारन अफ्रीका, ये थोड़ा आप लोग मैप में निहार सकते हैं, ये वाला जो एरिया यहाँ पर आप लोगों को शेडेड देख रहा है ये वाला एरिया आप लोग यहाँ पर निहार सकते हैं। इस वाले एरिया में तो काफी प्रॉब्लम यहाँ पर नॉर्मली देखने को आप लोगों को मिलेगी, अगर गरीबी की बात कर लीजिए यहाँ पर कई तरीके यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीम एक्टिविटी होती है नजर आएगी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है और खासकर इक्वेटर के पास में होने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी भी नजर आएगी जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो जाती है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखिएगा, मैप थोड़ा साथ साथ में निहारते रहा कीजिए ताकि ज्यादा प्रॉब्लम न रहे और आप लोग चीजों को याद रख सकें। और बात
बात कर लेते हैं यहां पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की भी बात कर लेते हैं तो पॉवर्टी के बारे में देखेंगे तो फर्स्ट गोल यहां पर इसी का है। हंगर की बात कर लेते हैं सेकंड गोल यहां पर है और हेल्थ की बात कर लेते हैं तीसरे नंबर का गोल यहां पर है। तो तीनों ये गोल है कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग यहां पर फोकस नहीं करते हैं तो हम लोग किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, तो हमको इन पर भी फोकस देकर चलना है ताकि अपनी कंट्री को हम सही डायरेक्शन दे सकें और इन सब चीजों से हम लोग उभर सकें। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट टॉपिक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है स्मार्ट ग्राम की। जब स्मार्ट की बात आती है तो कुछ ना कुछ तो स्मार्ट दिखेगा ही। आप लोगों को भी अगर कोई बोले आप स्मार्ट दिख रहे हैं तो आप लोगों में कुछ डिफरेंस होगा जरूर जो कि दूसरों से अलग है, ठीक है। तो स्मार्ट का मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा यहां पर। तो इसी तरीके से स्मार्ट ग्राम की यहां पर बात की जा रही है। राष्ट्रपति भवन के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया स्मार्ट ग्राम, ये थोड़ा याद रखिएगा। इसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक एरिया में एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सब पे फोकस दिया जाएगा ताकि यहां पर एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जा सके। एक मॉडल विलेज बनाने की कोशिश की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पब्लिक प्राइवेट सब मिलकर यहां पर काम करेंगे इनहेंस करने में कनेक्टिविटी और एक तरीके से वेलबींग ऑफ द हरेक विलेज। तो जिस विलेज पर फोकस दिया जाएगा उस विलेज पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर पूरी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये सारी फैसिलिटी के साथ साथ में आप लोग यहां पर स्मार्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी सर्विसेज, जिससे कि चीजों को ढंग से कनेक्ट किया जा सके और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी करने के साथ में उनके यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जा सके। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा स्मार्ट, ये आप थोड़ा याद रखिएगा स्मार्ट ग्राम का कॉन्सेप्ट, ये राष्ट्रपति भवन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस तरीके की बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार इस तरीके इनिशिएटिव न्यूज में रहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस तरीके यूनिक इनिशिएटिव जब राष्ट्रपति भवन से निकलकर आते हैं तो। ओके, तो थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। अगर किसी भी एरिया को हम लोगों को इंप्रूव करना है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं वो एरिया में काफी फायदा देखने को मिलने लगता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लोग कोई फैक्ट्री लगा दे तो वहां पर कई सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने लगी। अगर कोई स्कूल वहां पर खोल दे किसी पर्टिकुलर एरिया में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर कई तरीके की स्टेशनरी शॉप खुल जाती है, फोटोकॉपी की शॉप खुल जाती है, पेन की शॉप खुल जाती है, चाय वाले की, आसपास में कोई लंच प्रोवाइड कराने वाले की, तो इस तरीके कई सारी शॉप्स आप लोगों को नजर आएंगी तो डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में यहां पर डेवलपमेंट करने के साथ साथ में रूरल डेवलपमेंट के बारे में फोकस किया गया है। आखिर क्यों इतनी बातें हो रही है? क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा अनवील किया गया है लोगो थर्ड एनुअल मीटिंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की AIIB की, जो कि दिल्ली में होने जा रही है। तो इस पर फोकस दिया जाएगा ताकि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में गवर्नमेंट फोकस दे सके हाईवे पे, एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, पावर प्रोडक्टिविटी पे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और रूरल एरिया वाला एरिया है वहां पर हाउसिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब एरिया पे भी फोकस दिया जा सके। तो ये सब एरिया पे फोकस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा और लोगों की यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइफ भी अच्छे लेवल पे बढ़ती हुई नजर आएगी जब इन सब एरिया में हम लोग एक डेवलपमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, किसकी हेल्प से? तो ये किया जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की हेल्प से। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट ये बैंक है, ये इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये आप लोगों को चाइना में नजर आएगा। ओके, देख सकते हैं चाइना में बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए ये इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, हमारी कंट्री में ओनली एक ऐसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, वैसे याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ तो सर्च कीजिएगा और बताइएगा वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी थोड़े दिनों पहले ही बनाई गई है नहीं और हमारी कंट्री में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। चलिए ये भी बताता हूँ कि हेडक्वार्टर नॉर्थ इंडिया में है, अब तो आप लोगों को पता ही हो जाना चाहिए, तो मतलब उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है जब बात आती है इस तरीके बैंक की तो आप लोग वर्ल्ड बैंक का नाम सुनते हैं, IMF का नाम सुनते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और IMF कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा जो USA हो गया, जापान हो गया, उन सबकी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, उनके कंट्रोल में रहता है। तो चाइना कई बार इस तरीके की चीजों से इरिटेट होता था, उसने सोचा अपना नया बैंक बनाते हैं, क्या फालतू में उनके ऊपर डिपेंड रहना है, तो उन्होंने यहां पर नया बैंक खोला यहां पर AIIB। तो इसके बारे में याद रखिएगा, एशिया पर फोकस दिया जाएगा मैक्सिमम, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में फायदा करने वाला है ये। तो इस तरीके से ये बैंक है। ओके, आगे क्या बोला गया है, देखिए ये जो बैंक है यहां पर इसके मेंबर नहीं है जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन ने एड्रेस किया, लॉन्च किया है AIIB का जो पोटेंशियल बताने की बात की है, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं काफी बड़ा रोल उसमें पड़ता हुआ ये नजर आएगा। तो यहां पर प्रेसिडेंट भी आप लोग यहां पर याद रखते हैं, ये जिन लिक्वेन यहां पर प्रेसिडेंट है इनके, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, हेडक्वार्टर जरूर यहां पर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है। अभी सेकंड इंडिया कोरिया बिजनेस समिट हुई, कहां पर हुई याद होना चाहिए आप लोगों को, ये हुई न्यू दिल्ली में,
क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के सामने निकल कर आ सकता है, इंडिया और कोरिया। ओके, तो सेकंड ये समिट हुई यहाँ पर न्यू दिल्ली में, आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फोकस कहीं पे किया गया है, देखिए हमारी कंट्री मैक्सिमम आप लोगों को इनफॉर्मल इकोनॉमी नजर आएगी, मतलब रेडी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई तरीके की मार्केट लगाई जाती है, संडे बाजार हो गया, मंडे बाजार हो गया, मंगल मार्केट हो गया, तो इस तरीके की एक्टिविटी होती हुई नजर आती है। ये सारी इनफॉर्मल मार्केट है, इनको फॉर्मल मार्केट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स हैं उन सबको एक प्रॉपर वे का आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाए, हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जा सके, छुट्टी भी उनको मिले, ऐसा नहीं है कि हर दिन वो काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा सके। तो एक फॉर्मल इकोनॉमी में अगर हम लोग ट्रांसफर कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी मार्केट को, तो काफी बड़ा रोल प्ले होगा आने वाले टाइम में इन सब चीजों में। तो एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा यहां पर बिजनेस का, तभी ये सब चीजें पॉसिबल है। तो इंडिया काफी हद तक यहां पर डीरेगुलेट कर रही है और डीलाइसेंसिंग कर रही है चीजों की, ताकि आने वाले टाइम में कोई लाइसेंस राज न रहे और कोई कहीं पर भी किसी भी तरीके से अगर किसी भी तरीके का अपना छोटा मोटा अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो काम स्टार्ट कर सके वहां पर, और अच्छे से उसको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी तरीके से फोकस देते हुए यहां पर बात की गई है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा कि हम इसी तरीके का एनवायरमेंट प्रोवाइड कराने जाना चाह रहे हैं। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारी रैंकिंग काफी सुधरी हुई नजर आई। पहले कभी आप लोगों को देखने को मिलता था हमारी कंट्री में जो लाइसेंस दिया जाता था वो पहले 3 साल के लिए दिया जाता था, 3 साल के लिए दे दिया, एक बार फिर उसको रिन्यू कराया 3 साल के बाद में, अब उसका टाइम पीरियड भी 15 साल कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं काफी फायदा यहां पर हो रहा है इसकी वजह से भी, ताकि आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी कोई लाइसेंस राज न आए और काफी लंबे समय तक चीजें टिकी रहे। अगर बात करें परचेजिंग पावर के हिसाब से, परचेजिंग पावर के हिसाब से जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 3rd लार्जेस्ट, ठीक है ना। और अगर बात करें यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, तो जल्दी ही बात की जा रही है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी होने वाली है, उसकी तरफ को हम अग्रसर हैं। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़े हैं यहां पर याद रखते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आप लोग वर्ल्ड में देख सकते हैं आज की डेट में हमारी कंट्री है, और बहुत सारे यहां पर इकोसिस्टम क्रिएट किया गया ताकि नए नए स्टार्टअप हमारी कंट्री में आए और नए नए प्लान हमारी कंट्री में क्रिएट किए जाए। और सबसे बेस्ट बात क्या है, डेमोक्रेसी है यहां पर, डेमोग्राफी है और डिमांड भी है, मतलब आप लोगों को डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, जनता का शासन देखने को मिलेगा, यंग जनता आप लोगों को देखने को मिलेगी और डिमांड भी देखने को मिलेगी, जब जनता है तो डिमांड आएगी ही आएगी। तो ये 3D हमारी कंट्री में है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारी कंट्री को एक सही डायरेक्शन देने में। तो आप लोग ये 3D अपना कहीं आंसर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरीके की बातें। इसके अलावा और भी कई सारे आप लोग देखते हैं, बहुत सारे स्कोप है हमारे यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करने के, इंडियन एंड कोरियन आईटी इंडस्ट्री को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी फील्ड में हम लोग वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज हो गया, शिपिंग इंडस्ट्री, कोरिया की शिपिंग इंडस्ट्री काफी शानदार मानी जाती है, कई एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा कोरिया की इंडस्ट्री। और स्मार्टफोन आप लोग देख सकते हैं, खासकर सैमसंग की बात की जाए ये भी आप लोगों को कोरिया का देखने को मिलेगा। तो बहुत लार्ज स्केल पर कोरिया के साथ में हम लोग वर्क कर सकते हैं शिपिंग, एनर्जी और यहाँ पर इसके साथ में स्मार्ट सिटी, तो और कई एरिया में हम लोग यहाँ पर वर्क इनके साथ में कर सकते हैं। कोरिया प्लस इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, फैसिलिटेट करता है 100 लगभग कोरियन कंपनी लास्ट 2 ईयर में, जिसके बेस पर यहां एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है अच्छा वर्किंग का। कमिटमेंट करता है कोरियन पीपल को हमारी कंट्री में आने पर, और आइडियाज और इन्वेस्टमेंट का भी फोकस दिया जाता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नई तरीके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल स्पिरिट नजर आती है लोगों के अंदर, जब इस तरीके यहां पर एक तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं प्रिंसेस जो है यहां पर, प्रिंसेस टू पोएट्री और बुद्धा टू बॉलीवुड, सारे कोरियन के एक दूसरे के और इंडिया के साथ में कनेक्टेड है, मतलब जब लोग भी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाए तो आप लोग समझ लीजिए वो कंट्री काफी शानदार डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बातें आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, खासकर सेकंड अभी जो इंडिया कोरिया समिट हुई है उसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ओके, कई बार बातें पूछ ली जाती हैं, ये भी आप लोग थोड़ा यहां पर फोकस दीजिएगा। यहां पर पीएम मोदी ने गिफ्ट किया है 20,000 करोड़ का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम में हर साल 5 लाख जॉब क्रिएट की जाएगी और 25 लाख जॉब क्रिएट की जाएगी आने वाले 5 साल में। और इसमें क्या किया गया था, हम लोगों ने लगभग डिस्कस किया था यहाँ पर 2% लगभग जीडीपी यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी आने वाले टाइम में यूपी की। तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उन पर काफी फोकस दिया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वहां पर जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रिवीजन का पोर्शन है, यह लेक्चर 78 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1, 2, 3 के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया था, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 2017 में। ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन SC, नेशनल कमीशन ST, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो OBC जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की जा रही थी। तो ये काफी अच्छा लेक्चर था, यहाँ पर करंट अफेयर का आप लोगों को जाकर इसको देख सकते हैं, लेक्चर का लिंक आप लोग यहाँ पर मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दें जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं
यहाँ पर उनको बता दूं कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल लेक्चर चल रहे हैं, जो कि शाम को हम लोग पॉलिटिकल डिस्कस करते हैं, आप लोग उसका भी इंजॉय उठा सकते हैं, काफी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। लेक्चर्स आप लोग यहाँ पर भी मिल जाएंगे फेसबुक पर और या फिर टेलीग्राम में भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं लिंक इसका पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो योजना मैगजीन है हमारी, ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो अभी आप लोग कंटिन्यूअस वन वीक लगभग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे, काफी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। डेली आप लोगों को आर्टिकल एक और एक इसके साथ में क्वेश्चन भी नजर आएगा। क्वेश्चन देखिए जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर रहे हैं वो तो पोस्ट करते ही रहिए, इसके साथ में आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी जरूर कीजिए, आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद ये होने वाला है। तो दोनों ही चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बात की जा रही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी। तो जीएसटी पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं, पर जीएसटी पे नजर डालने से पहले आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस करना है की फीचर्स आप लोगों को, सिग्निफिकेंस क्या है जीएसटी का। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लॉ के बारे में आप लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। आंसर लिखिएगा 150 वर्ड में या फिर 200 वर्ड में, जितना भी आप लोगों को सुटेबल लगे, पर आंसर लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अब देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। 1 जुलाई को 2017 में हमारी कंट्री में जीएसटी लॉन्च किया गया। जीएसटी लॉन्च करने का सीधा सीधा मकसद ये था कि वन टैक्स होगा, वन नेशन का हमारी कंट्री में, और वन मार्केट यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप लोग एक पेन खरीद के लेके आते हैं, पेन की नॉर्मल वैल्यू आप लोग को 2 रुपए या 3 रुपए नजर आएगी, पर आप लोग 5 या 10 रुपए में उसको खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप लोग दुकानदार को देकर आते हैं वो टैक्स, पर इनडायरेक्ट वे में वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके का जो टैक्स है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था, जिसके द्वारा आप लोगों को वन टैक्स यहां पर बोलने की बात की गई थी और वन मार्केट बनाने की बात की गई थी। मतलब ये है, कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी अगर वैल्यू की बात करें, आप लोगों को यूपी में कुछ और नजर आएगी और उसकी तमिलनाडु या चेन्नई में, आप तो तमिलनाडु में या फिर केरला में कुछ और नजर आएगी, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ और नजर आएगी, तो कर्नाटक में कुछ और नजर आएगी। तो अगर कोई प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया, उसका मार्केट का प्राइस एक ही रहे, उस पर भी फोकस देने की बात की गई थी, क्योंकि हमारी एक कंट्री है। तो चाहे वो तमिलनाडु में रहता है, चाहे वो जम्मू और कश्मीर में रहता है कोई हमारा सिटीजन, उसको अगर कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बनाया जाता है तो उसका प्राइस एक ही मिलना चाहिए, ना कि जो जरा जरा देर में उसके प्राइस चेंज होते रहने चाहिए। तो इस पर भी फोकस देने की बात की गई थी। तो ये कुछ बातें थी आप लोगों को जो बेसिक हैं, जो यहां पर इनका पता ही होना चाहिए कम से कम। और देखिए इससे कंज्यूमर को बहुत फायदा होने वाला है। जब बात करते हैं एक एरिया में मार्केट में प्राइस ज्यादा है और दूसरे में कम है, तो कहीं ना कहीं जब एक प्राइस यहाँ पर रहेगा तो आप बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स को फायदा देखने को मिलेगा। और जो कास्केडिंग टैक्स होती है, मतलब टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें आप लोगों को, तो 160 कंट्री लगभग वर्ल्ड में ऐसी है जहां पर जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जा चुका है ऑलरेडी। और ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रांस ऐसी फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जहां पे 1954 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 101st, मतलब 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि 2016 में लाया गया था, ठीक है ना। इसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर कि जो स्टेट है, आप लोगों को पता है कि कुछ टैक्स स्टेट लगाते हैं, पर लेकिन जब यहाँ पर जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ स्टेट में भी इसका नुकसान होने वाला था, तो उसको यहाँ पर रिवेन्यू की भरपाई की जाएगी आने वाले 5 साल तक, ताकि स्टेट को कोई नुकसान न हो। तो ये कुछ बातें हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं इसके बारे में। ये कुछ बातें और हैं जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है क्या क्या इंडस्ट्री को बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म सिंगल टैक्स रहेगा थ्रू आउट द कंट्री, तो काफी फायदा रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स से, मतलब कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों को इनपुट टैक्स फ्लो भी यहाँ पर अच्छा खासा नजर आएगा, जब एक बार सिस्टम सही हो जाता है तो इंसान भी थोड़ा अच्छे से उसको इंजॉय करने लगता है। रिमूव यहाँ पर जो बैरियर वगैरह थे इंटर स्टेट में, पहले आप लोगों को देखने को मिलता था एक स्टेट के अलग दूसरे स्टेट में अगर जाता था इंसान, कोई ट्रक वाले जाते थे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रक के जो बॉर्डर पे होते थे स्टेट के, वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी ट्रक की, तो वो ट्रक की जो लाइन है वो भी यहाँ पर अब खत्म होती नजर आएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पर घट जाएगी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सामान को लाने और ले जाने की कॉस्ट भी यहाँ पर घट जाएगी, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी ये कम करते हुए नजर आएंगे। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा ज्यादा अगर देखा जाए जब लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात आती है। तो आईटी इनेबल सिस्टम यहाँ पर होगा, मतलब सब कुछ ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा टैक्स पे करने का सिस्टम। और यहाँ पर जो ह्यूमन है, जो टैक्स अथॉरिटी है, उनका मिनिमम इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, मतलब करप्शन के चांसेस बात काफी कम आप लोगों को नजर आएंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में कितना अच्छा है, और आने वाले टाइम में और भी अच्छा एनवायरमेंट बनाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को यहाँ पर हमारी कंट्री में काफी बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी चीप इंपोर्ट से, मतलब बाहर से जो हम लोग सस्ता सामान खरीद के लाते हैं, नॉर्मली हमारी कंट्री में क्या करते थे, बाहर से सस्ता सामान खरीद के ले आते थे अपनी कंट्री में बनाने के बजाय, तो वो भी यहाँ पर कमी होती आप लोगों को नजर आएगी। तो जीडीपी ग्रोथ भी हमारा लॉन्ग रन में अगर देखेंगे तो कंट्री का बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसको बोलते हैं चहुमुखी डेवलपमेंट करना, हर एक एरिया में डेवलपमेंट होता हुआ इसकी वजह से नजर आएगा। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से। पहली बात की जा रही है यहाँ पर 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, कौन सी कंट्री उसमें नहीं है इनमें से।
क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ग्रीन जो फील्ड जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसके बारे में जिक्र किया गया, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है यहां पर राजा मन्नार कमेटी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा और नीचे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अब थोड़ा वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे, उनका आंसर यहां पर देख लीजिए। एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया जिसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रोग्राम है। तो इस बार का जो देखा गया हरियाणा और तेलंगाना के दो स्टेटों को एक दूसरे के बारे में जानना है, समझना है और अच्छे से एक दूसरे की जो कल्चर है एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करनी है। मतलब एक कंट्री को हमको श्रेष्ठ कंट्री बनाना है, वो तभी बना पाएंगे जब हर एक स्टेट के जो हमारे सिटीजन है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रह सके और उनका ऐसा ना लगे दूसरे स्टेट में जाकर कि यार कहीं और आ गए हैं, अपनी ही कंट्री की उनको फीलिंग आए, अपने ही एरिया की उनको फीलिंग आए, ऐसा यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को पता है 6 कोर इंडस्ट्री वो 8 कोर इंडस्ट्री हमारी कंट्री में, कई बार उनके बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर पूछा गया कि सबसे ज्यादा वेटेज उन 8 कोर इंडस्ट्री में से किसका है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है यहां पर 8 कोर इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा उनका अभी देखने को मिला। नेक्स्ट बात की जा रही है पोलर रिजर्व व्हीकल के बारे में बाय इंडियन, तो ये हेल्प करेगा सस्टेन करने में रिसर्च बोथ अंटार्कटिका एंड आर्कटिका रीजन में। तो आप लोगों को पता है इस वाले रीजन में कई तरीके आप लोगों को देखने को मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, तो वहां पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसका थोड़ा सा आप लोग नाम याद रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने मजा लाई के बारे में डिस्कस किया जो कि मंगोलिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है और यूनेस्को जापान की हेल्प से मंगोलिया में ये सैटेलाइट सेंड किया गया है, ये है गोबी बियर, तो थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ओरेंग टाइगर रिजर्व के बारे में जो कि आसाम में है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर इसके नॉर्थ में पड़ता है और सारी चीजें हम लोगों ने देखी किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को डेंसिटी भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिली कौन कौन सी एरिया में क्या क्या है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर है ये है 31% वर्ल्ड के जो पुअर है हमारी कंट्री में पाए जाते हैं और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डिटेल में जानने को मिली और सब सहारा अफ्रीकन भी यहाँ पर पीछे नहीं है। ये आप लोगों मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनको बोलिएगा, मिलेनियम तो पहले थे, इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया स्मार्ट ग्राम इनिशिएटिव के तहत जो कि राष्ट्रपति भवन के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में जानने को मिला जो कि 3rd एनुअल मीटिंग हो रही है यहाँ पर आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगी, तो ये थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में जाना क्या ये बैंक है और किस तरीके से काम करता है, कौन मेंबर है और कौन मेंबर नहीं है, तो ये बातें भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, खासकर चाइना इतना न्यूज में रहता है तो इस तरीके की बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंडिया ने जो डीरेगुलेट और डीलाइसेंसिंग करने की बात की गई है उसके तहत हमारी कंट्री में एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और सेकंड इंडिया कोरियन बिजनेस समिट के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आप लोगों ने डिटेल में जाना इसके बारे में। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के उत्तर प्रदेश के बारे में जाना, 20,000 करोड़ यहाँ पर रुपए दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इसके अलावा आप लोगों को बोला था मैंने रिवीजन करने के लिए, तो इसका आप लोगों को रिवीजन करना है, ये है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1, 2, 3 के बारे में डिस्कस किया गया था यहाँ पर, तो जाकर इसको निहारिएगा। पॉलिटी इसके यहाँ पर योजना के तहत हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या क्या यहाँ पर सिस्टम था, यहाँ पर हम लोगों ने जाना जीएसटी के बारे में, ये कौन सा नंबर का अमेंडमेंट था, किस तरीके से टैक्स करने वाला है, कौन सी कंट्री फर्स्ट है, ये है फ्रांस वर्ल्ड में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, लगभग 160 कंट्री आज तक इंप्लीमेंट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हमारी कंट्री को भी काफी फायदा पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं और इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछा गया, क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे गए और इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो मैंने कल पूछे थे उनके आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड कराए गए। आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चीजों को शेयर कर दिया कीजिए। देखिए किसी का फायदा हो जाएगा पर लेकिन आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा अगर शेयर कर देते हैं, अच्छी चीजें हमेशा शेयर कर दिया कीजिए और बुरी चीजें सोसाइटी में कभी भी शेयर मत किया कीजिए, ये हमारा दायित्व बनता है अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने का। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए, राज्यसभा न्यूज के लिए काफी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है आप लोगों को, नीचे लिंक मिल जाएंगे आप लोगों को सारी चीजों के, तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को और पानी को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह कम से कम यूज कीजिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जा सके, सफाई रखिए और अपने आसपास जितना ज्यादा हो सके अपनी कंट्री को स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग और देखिए याद रखिएगा होली अच्छे से खेलनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।